आप एमएजी मूवी देख के आए हो जी? बिल्कुल ना, अभी एमएजी मूवी देखी हम लोगों ने। क्या नाम है जी आपका? लोकेश। कहाँ से रहने वाले हो? मैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। तो आपको एमएजी मूवी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी मूवी है और हर यूथ को और हर इंसान को आज के डेट में जो कलयुग में जो इतना समय खराब है उसके साथ देखनी चाहिए। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी इसको देखने से, शराब नशा छोड़ने में जो पीते हैं उनको आसानी होगी, ये सब इसलिए बच्चा अच्छा। जी आप एक मैसेज इस मूवी के थ्रू गुरुजी ने दिया है जी, ये जी, लगा जी, हमें इस मूवी। तो इस मूवी को जैसे दूसरी बॉलीवुड की हॉलीवुड की मूवी आई है, जैसे कट्टी बट्टी आई है और भी मूवी आई है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगा आप? वो और मूवीज़ हैं, टिपिकली बॉलीवुड मूवीज़ हैं जिनको फैमिलीज़ के साथ बैठने में हम लोग, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़े, बट इस मूवी में कुछ ऐसा नहीं है, टोटल फैमिली के साथ आप देख सकते हैं और एक मैसेज सोसाइटी और समाज के लिए है जो तो बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि फैमिली मूवी, फैमिली मूवी आप कह सकते हैं, और एक अभी आपके बच्चे जब बड़े होंगे वो अभी से अगर देखें इस तरह की मूवी तो थोड़ा सा उनको एक समाज सुधरेगा इससे, और वचन बहुत अच्छे हैं कि नशा छूटेगा, उसके लिए बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें। जी जी, अगर आपको इस मूवी में जैसे आपने देखा होगा कि गुरु जी है बहुत ही गुरु जैसे होते हैं संत, बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते हैं, उन्होंने जैसे बहुत ही ग्लैमरस कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या लगता है कि गुरु जी के ये चीज़ें करनी चाहिए थी या वैसे सत्संग करते रहना चाहिए? सर सत्संग करना, कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है कि इसे विजुअलाइजेशन मतलब थोड़ा सा आज के डेट में ये कि थोड़ा इससे ज़्यादा समझते हैं, उसके लिए थोड़ा यूथ के लिए शायद गुरु जी ने इस तरह का अपना चेंज किया है कि सत्संग में हो तो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जी सारा कोई यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा पहनने से कुछ नहीं होता, पहनना कुछ भी पहनो इंसान मतलब एक अगर विचार सही है तो एक अच्छी पिक्चर है, उसके अलावा इसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि कपड़े पहनने से कुछ भी नहीं होता मेरा मानना। जी जी, इनका कहने का मतलब ये है कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, बंदे के विचार शुद्ध होने चाहिए। तो अगर जैसे ये मूवी है, जैसे आप गुरु जी ने मैसेज दिया है कि जी भाई इसमें बहुत सारी, आप इससे क्या प्रेरणा लेते हो कि आप कौन सी बुराई आपको लगा कि आज मैंने ये मूवी देखी है तो मैं आज ये इससे मुझे शिक्षा मिली है कि मैं नहीं करूँगा आज जाके? इसमें बहुत सारे मैसेज थे जैसे कि पाखंड वगैरह के लिए, जैसे कि भूख प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, शराब वगैरह से क्या नुकसान है वो भी इसमें दिखाया गया है, और मेन तो ये जितना भी एक नॉर्मल जो मतलब हमारे सोसाइटी में जो जो आदिवासी अगर इस तरह के लोग वाकई में होते हैं तो उनको एक नॉर्मल सोसाइटी में उसको लेके आना नॉर्मल समझ में। तो मैडम आपका क्या नाम है जी? मैं मनीषा हूँ, मेरा नाम मनीषा है। जी जी, आप ये आपके हस्बैंड? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है और हम तीनों ही मूवी देखने आए थे, पहली वाली एमएसजी भी हमने देखी थी और एमएसजी 2 भी देखने आए हैं, और हमें बहुत ही अच्छी लगी है मूवी, और पिताजी जो मतलब ये मूवी बनाई है वो फिर से आगे और आए हम लोग बहुत। तो आपको क्या लगता है जो गुरु जी ये मूवी बनाते हैं कि आगे भी जब मूवी आएंगी तो क्या ऐसे ही आप क्रेज इतना क्रेज देखना चाहिए? बिल्कुल, हर मूवी में नया मैसेज होता है जी जी। तो वो उससे बहुत अच्छा हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, जैसे कि आजकल सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा कोई मैसेज नहीं है, मगर इस मूवी में बहुत अच्छे मैसेज थे। तो जैसे इस मूवी में आपको लगा बहुत सारे मैसेज थे इसमें, जैसे और भी आदिवासियों के लिए गुरु जी ने बोला है, तो क्या ये मैसेज आपने किसी और मूवी को भी आप देखते होंगे बॉलीवुड की हॉलीवुड की, क्या उनमें कभी ऐसा कुछ कोई मैसेज ऐसा मिला कि हाँ इसका कंपैरिजन करना हो तो? नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो इस तरह का कोई मैसेज भी मूवीज में नहीं आता, जनरली वो सिंपल एक एंटरटेनमेंट और कमर्शियल पिक्चर लोग बनाते हैं तो उसका कोई इससे मतलब ही नहीं है, तो मैच ही नहीं है जी। जैसे इसमें आप गुरु जी ने अक्सर प्रोमो में कहते हैं, अब उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जी सारा पैसा वो एक स्किन बैंक बनाएंगे जो उनको बेनिफिट होगा, तो क्या लगता है कि गुरु जी ऐसा सारा करते हैं या बस बोलते ही हैं? नहीं, करते हैं और मेरे ख्याल से करेंगे भी जी, मैं लगता है करते हैं। करते हैं जी जी। तो आप अगर इस मूवी को जैसे आपने कहा सोशल मूवी है, फैमिली के साथ देखनी चाहिए, तो आप क्या अपने फैमिली को या अपने यारों दोस्तों को सजेस्ट करेंगे कि भाई हाँ ये मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए? जी जी। तो आपको लास्ट टाइम मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर इस मूवी का कौन सा सॉन्ग आपको अच्छा लगा, क्या गुनगुनाना चाहोगे उसको? एंड वाला सॉन्ग, पार्टी धूमधाम से, मतलब बिना शराब के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मैसेंजर, एमएसडी द मैसेंजर बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। जी जी जी, इनको बहुत ही अच्छा लगा, पार्टी धूमधाम से, एमएसडी मैसेंजर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वेरी मच।